नमस्कार दोस्तों, हिमाचली थड्डा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएससी फिजिक्स, एचपीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या है आज का टॉपिक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एमएससी फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हमें देखेंगे कि कब ये फॉर्म निकलते हैं, किस डेट के आसपास ये फॉर्म का टेस्ट रहता है, आपको तैयारी करने का कितना मौका मिलता है, सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपने पढ़ के जाना है, और इसके अलावा कि सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स का क्या फंडा रहता है, किसको ये सीट मिलती है और दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो सोर्स रखा है, वो पिछले साल का प्रोस्पेक्टस मेरे पास पड़ा है, उससे पिछले साल का प्रोस्पेक्टस भी मेरे पास है, एचपीयू और सीयू दोनों का। तो हम जो है इस हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन में मैं पूरी हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाऊंगा आपको, ये पिछले साल की है दोस्तों। इसके बेसिस पर हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। ये सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो लास्ट डेट थी एडमिशन की, लास्ट डेट फॉर्म भरने की, वो थी 1/5/2019, और उससे पिछले साल का प्रोस्पेक्टस मैंने देखा तो उसकी भी लास्ट डेट थी 1/5/2019। तो हम ये ले करके चल सकते हैं कि मई महीने में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल में प्रोस्पेक्टस जो है आपका आ जाएगा, अप्रैल लास्ट में या मई के शुरुआत में, और मई के दौरान ही आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो था, आप देख सकते हैं, एमएससी ज्योग्राफी, एमए हिंदी, 20/5/2019 से टेस्ट शुरू हो गए थे। मतलब 1/5 को लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की और 20/5 से पेपर शुरू हो गए थे, मतलब लगभग 17, 18, 19 दिन का गैप था इसमें लास्ट डेट फॉर्म की और एग्जामिनेशन डेट में। तो मतलब तैयारी करने का समय बहुत कम आपको मिलने वाला है। ये सब बताने का क्या मतलब था मेरा, डेट्स मैंने आपको क्यों बताई, ये इसलिए बताई कि अगर आपने अब तक इस पॉइंट तक पेपर की तैयारी, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना शुरू नहीं की है, तो प्लीज़ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप सोचोगे फॉर्म भरेंगे उसके बाद महीने 2 महीने का समय मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, पेपर एकदम से हो जाता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी अप्रैल में आ जाता है, अप्रैल लास्ट में या मई में, इतनी ही ये डेट्स रहती हैं, और इसी दौरान आपको तैयारी भी करनी रहती है। अब यहाँ पर जो बात निकल के आई है कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वाकई ही कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। इसके अलावा आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिए ऑल ओवर इंडिया से कंपटीशन रहता है। मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में साउथ तक के बच्चे आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपका कंपटीशन सिर्फ हिमाचल के बच्चों के साथ है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैं आपको ये फील कराना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट ए ईजी जॉब टू गेट अ सीट। इवन आपके पास, अगर आप सोचते हो ना कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर सीट्स तो लिमिटेड हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 30 सीटें हैं, किसी में 28 सीटें हैं, उसमें चुने हुए बच्चे जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, पेपर कभी भी टफ नहीं आता है, पेपर बेसिक नेचर का होता है, बट आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पेपर आसान आएगा, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही पेपर में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला था, वो थी एक सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट का पंगा, और एचपीयू में कितनी सीट्स होती हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स रहती हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 30-30 सीटें होती हैं हर सब्जेक्ट की। अगर कोई चेंज होगा तो नए प्रोस्पेक्टस में निकाल के आपको देख लूँगा, जब वो प्रोस्पेक्टस आएगा मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में सीट्स हैं 28 सब्सिडाइज्ड और 20 नॉन सब्सिडाइज्ड। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडाइज एंड नॉन सब्सिडाइज सीट्स? दोस्तों, जनरली अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करते हो या कोई भी कोर्स करते हो, तो लगभग 25 से 45 हज़ार रुपये की फ़ीस रहती है। ये वेरी करती है ब्रांड नेम से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा फ़ीस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कम फीस है, ठीक है? तो आप मान के चलिए 30-35 हज़ार रुपये की सीट पड़ती है, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको कितने में देती हैं? 7, 8, 9, 10 हज़ार, 11 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 11 हज़ार के गैप में आपको एक सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ती है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको 25 से 35 हज़ार की या 45 हज़ार तक की फ़ीस देनी पड़ती है। ये मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, एक्चुअली सिनेरियो ऐसा ही है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो आपको सस्ती सीट दी ना, वो सीट सस्ती नहीं होती है, वो सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको दी जाती है। गवर्नमेंट कहती है, जो बच्चा टेस्ट पास करेगा, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो मेहनत करते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन
जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर देगी। मतलब कि एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी 35 से 40 हज़ार का ही आता है, बट आपसे सिर्फ 7 से 10 हज़ार रुपया लेंगे और बाकी पैसा गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालती है। ये रहता है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो आता है इनकम टैक्स, जो पेयर हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वहाँ के पैसे से आता है। उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। तो आप ये समझिए, जैसे गैस का सिलेंडर जब आप भराते हैं तो गैस सिलेंडर की कीमत 700-800 होती है, जो आपको तभी देनी पड़ती है, उसके बाद आपके खाते में 200-300 रुपये सब्सिडी वापस आती है। तो आपको कुल सिलेंडर सस्ता पड़ता है 500 रुपये में, मान लेते हैं, रफ आइडिया दे रहा हूँ, 500 रुपये में सिलेंडर पड़ा, जबकि सिलेंडर की कीमत 700 होती थी। तो सेम इस केस में है, एचपीयू ने क्या कहा है, एचपीयू ने सब्सिडाइज सीट्स तो रखी हैं 28, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि जी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कमा रही हैं, तो उससे अच्छा थोड़ा सा हम भी कमा लेते हैं। उन्होंने बोला कि जो टॉप 28 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम दे देंगे सब्सिडाइज सीट्स, मतलब सस्ती सीट्स, सस्ते रेट पे, और उसके अलावा 20 सीट्स जो रहेंगी वो नॉन सब्सिडाइज रहेंगी। मीन्स कि मान लो आपने टेस्ट दिया और आपका रैंक आया 29, ठीक है, और टॉप के 28 बच्चों में से 28 बच्चों ने ही मान लो एडमिशन ले ली, तो मतलब सब्सिडाइज सीटें ख़त्म होगी। अब आपका नंबर आया 29, तो आपको कौन सी सीट मिलेगी? नॉन सब्सिडाइज। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, मान लो जब आपने फॉर्म भरा था तब वो हमेशा ऑप्शन देते हैं कि क्या आप नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप वहाँ पे हाँ करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, जो भी फॉर्म भरने की फ़ीस के साथ है, एडिशनल फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आपने वहाँ पर यस किया तब तो आप नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए कंसिडर हो जाओगे। अगर आपने वहाँ पर नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई पहले से नहीं किया, जब फॉर्म निकलता है एंट्रेंस टेस्ट का, तो आपको उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट हुआ, आज अप्रैल में फॉर्म निकले, आपने फॉर्म भरे और आपने जो है नॉन सब्सिडाइज के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है, आपने बोला कि भी पता नहीं मेरा रैंक आएगा नॉन सब्सिडाइज लाइक भी कि नहीं, मैं क्यों फीस बर्बाद करूं। मान लो आपका रैंक 100-200 आता है, तो आपने ये सब्सिडाइज के लिए तो भर ही रहे हैं, नॉन सब्सिडाइज के लिए भी भरा, तो आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। तो वो आप बोलोगे कि मैं नॉन सब्सिडाइज के लिए नहीं भरूंगा, ठीक है। अब मान लो जो पेपर हुआ उसके बाद आपका रैंक आया 29, ठीक है, और पहले 28 बच्चों ने सब्सिडाइज सीट सबने ले ली और एडमिशन भी हो गया, तो अब आप बोलोगे कि आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे नॉन सब्सिडाइज सीट दे दो क्योंकि मेरा रैंक आ गया है 29, लेकिन आपने फॉर्म भरते वक्त नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो मान लो कोई आपसे अगला रैंक का बच्चा है जिसका 30 रैंक है, उसने नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई कर दिया था, तो क्या होगा? उसको सीट की प्रायोरिटी मिलेगी, आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा। उसी तरह से मान लो कोई कोई 30 के बाद मान लो 40 वाला है, उसने नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई किया है, और 30 से 40 के बीच में जो बाकी बच्चे थे उन्होंने अप्लाई नहीं किया था नॉन सब्सिडाइज के लिए, तो दूसरी नॉन सब्सिडाइज सीट इस 40 नंबर वाले को मिलेगी, ना कि आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था। ये प्रोस्पेक्टस में मैंशनड होता है, बट कई बार हम इतने बिजी होते हैं हम पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं देखते हैं। तो नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए कंसिडर होने के लिए आपको पहले से नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि सर मान लो मैंने नॉन सब्सिडाइज और सब्सिडाइज दोनों के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मेरा रैंक मान लो 5th आ गया, तो क्या मुझे नॉन सब्सिडाइज सीट मिलेगी महंगी वाली या सब्सिडाइज? ऑफ कोर्स आपको सब्सिडाइज सीट मिलेगी, लेकिन आपने नॉन सब्सिडाइज के लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो वो जो आपने पहले फीस दी थोड़ी बहुत वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, पर आपको सब्सिडाइज सीट ही मिलेगी। तो आई थिंक सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज का पंगा जो है, जो पेंच है, वो समझ आ गया होगा। सब्सिडाइज मीन्स जिसमें आपको फीस कम देनी पड़ेगी, नॉन सब्सिडाइज फीस जिसमें आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब देखिए 28 + 20 टोटल कितनी सीट्स हो गई? टोटल होगी 48। अब ये 48 के 48 स्टूडेंट ना एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ते, बस फीस का फ़र्क होता है, ठीक है। बाकी रही कुछ एक बातें कि एमएससी फिजिक्स में कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो वो कैसे होती है? तो वो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो पहले 2 सेमेस्टर में लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही है कि आपको कॉमन पढ़ाया जाता है, और तीसरे चौथे सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाती है, पहले बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो आप चिंता मत कीजिए, उसके बारे में अगर कोई और सेशन करना होगा तो हम कर लेंगे, आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक काफ़ी भाषण हो गया। अब एक और बात जो बहुत से कमेंट्स में पूछी जाती है कि सर एचपीयू का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बताइए। तो दोस्तों सिलेबस मेंशन नहीं है कहीं पर भी इस प्रॉस्पेक्टस में, आप जहाँ पर भी पूरी तरह से मैंने छान मारा है सिलेबस मुझे कहीं नहीं दिखा, एचपीयू ने दिया होगी, आप ये पढ़ के आइए, मेरी बात मानिए,
आप अपने ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जिनका सेमेस्टर सिस्टम था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सभी सेमेस्टर के आप सिलेबस को पढ़ डालिए। वहीं से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल बनेंगे, हार्ड पेपर नहीं आता है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप अपने ग्रेजुएशन की चीज़ों टॉपिक्स को रिवाइज़ कीजिए। प्लस यहाँ पर मैं आपको, अगर फिर भी आपने सिलेबस देखना है तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मेरे पास CU का प्रॉस्पेक्टस पड़ा है, CU ने पिछले साल सिलेबस दिया था अपने प्रॉस्पेक्टस में, तो मैं आपको अब ले चलता हूँ उस प्रॉस्पेक्टस की तरफ से। सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस का सेम होता है, आपने CU में जो टॉपिक दिए गए हैं वो तो ज़रूर पढ़ने हैं, प्लस साथ में अपने ग्रेजुएशन के बाकी टॉपिक्स पढ़ लेना, पेपर की तैयारी आराम से हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं CU का प्रॉस्पेक्टस। सो गाइज, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का पिछले साल का प्रॉस्पेक्टस जिसमें उन्होंने सिलेबस दिया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सिलेबस है, हालांकि टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे लेकिन वो सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। मेरी बात मानिए, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं, बस इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और समय थोड़ा कम है, इसलिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर आता है वो सेक्शंस में आता है, सेक्शन को आप इग्नोर कीजिएगा। मैथमेटिकल मेथड्स का पहला है जिसमें आप इनफिनाइट सिक्वेंसेज एंड सीरीज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल्स, टेलर एक्सपेंशन, वेक्टर अलजेब्रा आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस आ जाती हैं, लीनियर वेक्टर स्पेसेस आ जाते हैं, फूरियर एक्सपेंशन आ जाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स का इसमें आ जाता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्सेस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स, केपलर लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फील्ड, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके अलावा है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, लेसेजेस फिगर्स, डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर्स, रेजोनेंस, वेव इक्वेशन, ट्रैवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव्स इन वन डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी, डॉपलर इफेक्ट, एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स, ग्रुप वेलोसिटी, साउंड एंड वेव्स इन मीडिया, फेज वेलोसिटी, रिजिड बॉडी मोशन, यूलर एंगल, फिक्स एक्सिस रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। अब दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मैं सारा एक एक करके पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस सिलेबस को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और पॉज करके देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे टॉपिक्स जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं ये वही हैं। HPU के लिए भी सेम सिलेबस रहेगा, 70-80% सिलेबस कॉमन है, 5-10% का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। ऑप्टिक्स में जैसे आगे आपका फर्मेट प्रिंसिपल, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, थिक लेंस, थिन लेंस, लेंस कॉम्बिनेशन, हाइगन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्टिकल पाथ, रिटार्डेशन, इंटरफेरोमीटर्स, फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन, रेले क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, लीनियर, सर्कुलर एंड इलिप्टिक पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन, लेजर्स है, प्रिंसिपल है, वर्किंग है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, बायोट सेवर्ट लॉ, कंडक्टर कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक्स, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, अल्टरनेटिव करंट्स, मैक्सवेल इक्वेशंस, लॉरेंट्ज़ फोर्सेस, रिफ्लेक्शन। आप ज़रूर इसे जो है स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इसका। मॉडर्न फिजिक्स में आपका ये सारा सिलेबस आ जाता है, गैलीलियन इन्वेरियंस, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, एक्सरे, समरफोल्ड करेक्शन, बोहर एटॉमिक मॉडल, वेव फंक्शन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, कॉम्प्टन इफेक्ट, स्कैटरिंग, कॉम्प्टन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, रेडिएशन लॉस, लेप्टॉन्स, मीज़ोन्स, इंटरैक्शंस, ये सब कुछ है, काइनेमेटिक्स है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा दिखने को लग रहा है, बट ये ग्रेजुएशन का ही है, इन्होंने डिटेल में इसको दे रखा है। और उसके बाद इनका सेक्शन डी आता है जिसमें पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पेपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर शायद मैंने डाल दिया है या नहीं डाला होगा तो मैं आने वाले दिनों में डाल दूँगा एंट्रेंस का, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास पिछले साल का पेपर पड़ा हुआ है, वो मैं डाल दूँगा, थोड़ा जैसे टाइम लगता है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल, बट जैसे भी समय लगेगा मैं आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है वो डालता रहूँगा। अब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, जैसे फर्मी डिराक, बोर, आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गुड क्वांटम नंबर्स,
सिलेक्शन रूल्स हैं, स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट है, फाइन स्ट्रक्चर है, स्पेस क्वांटाइजेशन है, ज़ीमन इफेक्ट है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, रामन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बाकी आप सब कुछ देख लीजिए। और ये एक लास्ट तो है थोड़ा सा, इसे आप ज़रूर देखिएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिलर इंडिसेस, विग्नर सीड सेल, सिमेट्री ऑपरेशन, लैटिस टाइप, पैकिंग फ्रैक्शन, लैटिस एंड बेसिस, प्रिमिटिव एंड यूनिट सेल, ब्रैग्स लॉ, लैंडेजी फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, लेनार्ड जोन स्पेस, लेनार्ड जोन पोटेंशियल, आयनिक कोवेलेंट, वैंडरवाल कोहेसिव एनर्जी, लैटिस वाइब्रेशंस, और एम्पलीफायर्स, FET, MOSFET, और नॉर्टन थ्योरम, थिनविन थ्योरम, ट्रांजिस्टर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है, अब आपको सिलेबस भी मैंने दिखा दिया है दोस्तों, एग्जैक्ट HPU का तो नहीं दिखा पाया, लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया है CU का, ये भी आपका कवर कर जाएगा। आप इतना तो पढ़ो, कम से कम इतना तो पढ़ लो, इतना पढ़ लोगे ना दोस्तों बहुत है, मैं कह रहा हूँ। सीरियस स्टडी कीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, फाइट बहुत ज़्यादा होती है, आप देखोगे पेपर आसान ही होगा, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आई विश ऑल ऑफ़ यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और जो मुझसे बन पाएगा आपको हेल्प करने में वो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।